हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक कार्डिगन का बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन लेकर आए हैं जो आप बनाएंगे बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार होता है। ये हमने केवल थोड़े से ही फंदे लिए हुए हैं जो कि इसमें दो फ्लावर उसके आएंगे और नाइन के मल्टीपल ये डिज़ाइन के फंदे पड़ेंगे। तो हमने ये दो डिज़ाइन के लिए हमने फंदे डाले हुए हैं और दो साइड के फंदे हुए हैं हमारे। तो चलिए आपको डिज़ाइन बताना शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट फंदे को आप स्लिप कर लीजिए। अगर बुनाई करते हो तो आप बुनाई भी कर सकते हैं। इसके बाद एक फंदा आप सीधा बुन लीजिए। ऊन के धागे को फ्रंट साइड कीजिए और देखिए यहाँ जाली आपको डालनी है। ठीक, फ्रंट साइड कर लीजिए और फिर एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, ये आठ फंदे आप बुनाई कर लीजिए। देखिए, एक साइड का फंदा है, एक सीधा हमने बुना है, एक ये जाली का फंदा है और एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, इतने हमारे जो हैं ये एक फ्लावर के फंदे हैं। तो फिर देखिए, ऊन के धागे को फ्रंट साइड करेंगे और हम जाली डालेंगे। देखिए, ये हमने जाली भी डाला है और एक इधर साइड से भी जाली डाले। अब इधर के फ्लावर में फिर ऊन के धागे को हम अपनी साइड करेंगे और ये देखिए एक जाली और डालेंगे। जाली डाल दिए और एक फंदा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, आठ फंदे हमने बुनाई किया और फिर ऊन के धागे को फ्रंट साइड किया क्योंकि हमें यहाँ भी जाली डालना है। तो हम ऐसे जाली डाल के ये फंदा सीधा बुनाई कर लेंगे और ये लास्ट का एड स्टिच है, इसे हम बुनाई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं सेकंड रो में, क्योंकि ये डिज़ाइन एट रो में बनकर तैयार होता है। ये रॉन्ग साइड है। अब रॉन्ग साइड में ध्यान देना है कि फर्स्ट फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, फिर ऊन के धागे को पीछे करेंगे और जो हमने एक फंदा सीधा बुनाई किया था और एक फंदा जाली का था, हम दोनों फंदे रॉन्ग साइड से सीधे बुनेंगे। देखिए, हमारे दो फंदे सीधे, फिर उनके धागे को आगे किया और आठ फंदे हम उल्टे बुनाई करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, आठ फंदे हमने सीधे बुनाई किया। फिर उनके धागे को बैक साइड ले जाएंगे और हमारे देखिए एक जाली वाला सीधा और फिर एक बीच वाला है, ये भी सीधा और एक फिर ये जाली वाला सीधा। तीन फंदे हमारे ये सीधे बुने गए हैं। इसके बाद उनके धागे को अपनी साइड करेंगे, आठ फंदे उल्टे बुनेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, आठ, ये आठ फंदे उल्टे बुने हम। फिर उनके धागे को बैक साइड ले जाएंगे और दो फंदे ये हम सीधे बुनेंगे। देखिए, एक जाली वाला फंदा है ये और एक ये सीधा फंदा है। फिर उनके धागे को फ्रंट साइड करेंगे, एक फंदा एड स्टिच है, इसे बुन लेते हैं। अब आ गए थर्ड रो। फ्रेंड्स, ये थर्ड रो हमारा है। थर्ड रो में देखिए हमें क्या करना है, ऊन के धागे को स्लिप करना है और फर्स्ट फंदे को स्लिप करना है। अब जो फंदे हमने दो उल्टे बुने हैं, इन्हें हम रॉन्ग साइड से भी सीधे बुनेंगे और राइट साइड से भी सीधे बुनेंगे। तो देखिए, एक,
दो, दो फंदे हम सीधे बुन लेते हैं, फिर ऊन के धागे को अपने साइड करेंगे। ये जाली हम यहाँ पर डालेंगे, जो जाली बढ़ती जाएगी वो इधर आती जाएगी, जो जाली से फंदा बढ़ेगा वो इस साइड आएगा, और फिर इसके बाद ये आठ फंदे हमें बुनाई करने हैं। तो देखिए हम एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, देखिए हमारे आठ फंदे हमने बुन लिए, फिर उनके धागे को अपने साइड किया। अब हमें ये जाली बनाना है, तो जाली बनाते हुए देखिए हम एक फंदा सीधा, दूसरा फंदा सीधा, तीसरा फंदा सीधा, अब फिर उनके धागे को अपनी साइड करेंगे, फिर जाली बनाएंगे, और ये देखिए आठ फंदे हम बुनाई कर लेते हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये आठ फंदे हमारे हो गए। अब उनके धागे को अपनी साइड करेंगे और जाली डालेंगे, और ये दो फंदे देखिए, एक दो फंदे सीधे, फिर ये साइड का आड स्टिच है, इसे हम बुन लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा ये थर्ड रो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं फोर्थ रो में। देखिए फोर्थ रो में हमें क्या करना है, आपको तो पता ही है, फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, उनके धागे को बैक साइड ले जाएंगे, और देखिए एक दो, और ये जाली वाला फंदा तीन, जैसे जैसे जाली पड़ेगा ये इधर से फंदा जो है इधर उस सीधा बुना जाएगा, और उनके धागे को अपनी साइड करेंगे, आठ आठ फंदे जो हमारे हैं उन्हें हम उल्टा बुनेंगे। तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ फंदे हमने उल्टे बुन लिए, फिर उनके धागे को बैक साइड करेंगे, और ये देखिए जाली वाला फंदा सीधा, इसके बाद ये भी फंदा सीधा, दो तीन चार पांच फंदे हमारे ये सीधे हो गए। अब उनके धागे को फ्रंट साइड करेंगे और ये आठ फंदे उल्टे बुनाई करेंगे हम। आठ फंदे हमारे उल्टे हो गए, फिर उनके धागे को बैक साइड ले जाएंगे। देखिए जाली वाला फंदा है, इसे हम सीधा बुनेंगे, फिर इसे हम उल्टा बुनेंगे, सॉरी इसे भी हम सीधा बुनेंगे, इसे भी हम सीधा बुनेंगे, तीन फंदे हमारे सीधे, और ये साइड का एड स्टिच है, इसे हम उल्टा बुन लेते हैं। तो हमारे फ्रेंड्स ये फोर रो कंप्लीट हो गए। अब आ गए हम फिफ्थ रो में। देखिए फिफ्थ रो में हमें क्या करना है, फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, जो हमारे ये तीन फंदे उल्टे हैं इन्हें हम सीधे बुनेंगे, एक दो तीन फंदे सीधे हो गए, उनके धागे को अपनी साइड किया, और यहाँ हम जाली डालेंगे, और फिर देखिए आठ फंदे हम सीधे बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ फंदे हमारे सीधे हो गए। फिर इसके बाद हम उनके धागे को अपनी साइड लाएंगे, जाली डालेंगे, और ये पांच फंदे हम सीधे बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच, पांच फंदे हमारे सीधे हो गए, उनके धागे को अपनी साइड किया, और आठ फंदे फिर हम सीधे बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ फंदे हमारे सीधे हो गए, फिर उनके धागे को फ्रंट साइड करेंगे और जाली डालेंगे, और तीन फंदे को हम सीधे बुनेंगे, एक दो तीन, और ये साइड का एड स्टिच है, इसे भी हम बुन लेते हैं। हमारा फिफ्थ रो कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब आते हैं हम सिक्स्थ रो में।
फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे ऊन के धागे को। अब ऊन के धागे को बैक साइड ले जाके चार फंदे हम सीधे बुनेंगे, 2, 3। ये जाली वाला एक है, ये चार फंदे सीधे हो गए। और ऊन के धागे को अपनी साइड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आठ फंदा हमने उल्टा बुनाई किया। फिर उनके धागे को बैक साइड ले जाएंगे। अब देखिए ये 7 फंदे हमारे सीधे बुने जाएंगे। ये जाली वाला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये हमारे 7 फंदे हो गए। फिर उनके धागे को अपनी साइड किया और 8 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। उनके धागे बैक साइड ले जाएंगे। देखिए ये जाली वाला फंदा, इसे सीधा बुनेंगे। ये देखिए 2, 3, 4 फंदे हमने सीधे बुने, उनके धागे को अपने साइड किया। ये लास्ट का एड स्टिच है, इसे उल्टा बुन लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे 6 रो ये कंप्लीट हो गए हैं डिजाइन के। 8 रो का डिजाइन है, तो अब हमारे अभी 2 रो इस डिजाइन में बाकी। तो देखिए हमारे ये 6 रो कंप्लीट हो गए। अब हम आ गए 7th रो में। 7th रो में देखिए फ्रेंड्स क्या करना है। फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे और फिर 1, 2, 3, 4 फंदे हम सीधे बुनाई करेंगे। अब यहाँ से देखिए क्या करना है। 4 फंदे एक साथ बैक साइड से, ये देखिए 4 फंदे, 1, 2, 3, 4। ये 4 फंदे हम बैक साइड से ऐसे 4 का एक करेंगे। देखिए 4 फंदों का हमने एक किया। अब 4 फंदों का फिर हम एक करेंगे। तो अब उस बार बैक साइड से किया था, अब इस बार फ्रंट साइड से हम ये 4 फंदे एक साथ बुनाई करेंगे। 4 फंदों का हम ये फ्रंट साइड से हम करेंगे। देखिए ऐसे आना चाहिए। फिर इसके बाद ये हमारे 7 फंदे सीधे बुने जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 फंदे हमारे ये सीधे हो गए। अब फिर देखिए 1, 2, 3, 4। 4 फंदे हम ये बैक साइड से, देखिए बैक साइड से ऐसे हम 4 फंदों का एक करेंगे। ठीक, अब हम फ्रंट साइड से ऐसे सिलाई डालेंगे इधर से। देखिए इधर से हम फ्रंट साइड से ऐसे सिलाई डाल के बैक साइड से हम बुनाई कर लेंगे, 4 का एक करेंगे। ऐसे देखने में लगता है जैसे हमने 8 फंदों को धागे में पिरो दिया है। फिर हमारे ये 4 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4। और ये साइड का एड स्टिच है, इसे बुनाई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारा फर्स्ट फ्लावर बुन के कम्प्लीट हो गया है। अब हम आते हैं 8 रो में। देखिए फर्स्ट फंदे को स्लिप करते हैं और 8 रो को हम पूरा उल्टा बुनाई करेंगे। देखिए और इसे आप ध्यान दीजिएगा, जाली डालते वक्त देखिएगा सभी फंदे एक समान हो रहने चाहिए। और देखिए इस तरह आप, अगर हमने 21 फंदे डाले हुए थे और अभी भी हमारे ये 21 ही फंदे होंगे, जो बढ़े हुए फंदे थे हमने उन्हें घटा दिया है। तो देखिए ये हमारा 8 रो कंप्लीट हो गया। 8 रो का फ्रेंड्स डिजाइन है। देखिए
ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 प्लस 1 यानी 21, 21 फंदे में हमने ये डिजाइन बनाया था। अब 1 से लेके 8 तक आपको फिर रिपीट करना है फ्रेंड्स। देखिए जब आप रिपीट करके बनाएंगे तो इसी तरह आपका ये डिजाइन बनकर आएगा और बहुत ही प्यारा डिजाइन है। एक फ्रेंड्स ने हमसे ये रिक्वेस्ट किया था कि आप जो है कार्डिगन का मैम बताइए डिजाइन, तो हमने सोचा कि ये डिजाइन उनके लिए है। और इस डिजाइन को देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन है, इसे आप बनाइए और बहुत ही प्यारा है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स लाइक कीजिएगा, प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अभी तक मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।